आज हम बनाएंगे बिल्कुल होटल में मिलने वाला सांभर, बिल्कुल वही स्वाद आपको घर पे मिलेगा। गारंटी देते हूँ, एक बार अगर आपने इस तरीके से बना लिया तो आप बाकी सारे तरीके भूल जाओगे। चलो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे हम ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, उसमें 1/2 चम्मच राई डाल देंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और 2 लाल साबुत मिर्च डाल देंगे, साथ ही थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब हम डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, उसे 1 से 2 मिनट पकाने के बाद उसमें डाल देंगे 1 छोटा सा टमाटर। टमाटर छोटा सा ही लेना क्योंकि आगे हम खटाई के लिए कुछ और यूज़ करने वाले हैं। इसे भी 1 से 2 मिनट चला ले। थोड़े से टमाटर पक जाने के बाद हम डाल देंगे कुछ सब्जियां, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 1 छोटा सा बैंगन, 1 आलू, थोड़ा सा कद्दू और 1 ड्रमस्टिक। सभी सब्जियां कच्ची हैं, बिल्कुल भी उसे प्रेशर कुक या कुछ ना करें, कच्ची सब्जियां ही डालें। अब हम नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद 1 बड़ा ग्लास पानी डाल देंगे और आराम से उसमें सब्जियों को पकने देंगे। इस तरह से सब्जियों को पकाने से उसका पूरा स्वाद वो पानी में आता है। अक्सर लोग सब्जियों को प्रेशर कुक ही कर देते हैं, दाल के साथ ही कुकर में डाल देते हैं, लेकिन वो बहुत ही ओवर कुक हो जाती है और उसका बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। इस तरीके से पकाने से आपका सांभर का स्वाद बिल्कुल अलग आएगा और सब्जियां भी बहुत ही अच्छे से पकेगी। अब हम एक मसाला रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच एवरेस्ट का सांभर मसाला, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो। फिर हम ले लेंगे 1/2 चम्मच हल्दी और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल के एक घोल बना लेंगे और उसे सांभर में डाल देंगे। सब्जियां पकने के लिए कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे, तो आप उस हिसाब से मध्यम आंच पे सब सब्जियां पका ले और ये मसाला लास्ट में डाल दे। अब हम डालेंगे इमली का पानी। इसके लिए 1 चम्मच इमली को थोड़े से गुनगुने पानी में 10 से 15 मिनट तक भिगो के रखें और उसे छान ले और इसमें डाल दे। अब हम इसमें डाल देंगे तूर दाल। दाल को एकदम अच्छे से पका ले, 5 से 6 विसल लेके, बहुत ही महीन हो जानी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से पक जानी चाहिए। लास्ट में जो इमली का खट्टापन है उसे बैलेंस करने के लिए गुड़ डालना है, 1 बड़ा चम्मच गुड़ डाल दे। अब इसे आराम से 7 से 8 मिनट धीमी आंच पर पकने दे। इस तरह बनाने से आपको बिल्कुल होटल जैसा स्वाद घर पे ही मिलेगा। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। मैं डालते ही घुलने वाली रवा इडली की रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जब हम पकी हुई सब्जियां डालते हैं तो वो बाद में रह के सांभर बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। उसे पानी डालकर हम पतला तो कर सकते हैं, लेकिन मसाले का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। इस तरीके से बनाने से जिस कंसिस्टेंसी में आप गैस बंद करेंगे बिल्कुल वही रहेगी, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होगा सांभर आपका। नारियल की जो चटनी होती है उसकी रेसिपी भी चैनल पर अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके ज़रूर से चेकआउट कीजिए। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।